साथियों, बड़े हर्ष का विषय है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद शर्मा जी को शिव माता वैष्णो देवी के बाद शिव कोड़ी धाम का दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों, यह वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जो दर्शनार्थी श्रद्धालु भक्तगण नहीं आए हैं उन तक हमारी वीडियो पहुंच सके और आप सभी लोग इसी तरीके से आकर के अपने जीवन को सार्थक बनाएं और हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि साथियों, बंधु पशु वैक्सीनेटर सहायक फाउंडेशन रजिस्टर्ड भारत सरकार मंत्रालय आप सभी का अपना संगठन है और ये देखिए पशुओं का के लिए कार्य करता है, साथ ही साथ सामाजिक कार्य को भी करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। देखिए, हम बदलेंगे सब बदलेगा। समस्त वैक्सीनेटर सहायक साथियों, एक बार पुनः बंधु पशु वैक्सीनेटर सहायक फाउंडेशन परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आप सभी को बता सही से चलिए साथियों, आप सभी को बता देना चाहते हैं कि इसी तरीके से आप सभी लोग भी सभी वैक्सीनेटर सहायक साथी ज़्यादा से ज़्यादा जो है धार्मिक कार्य से जुड़े और धर्म को बढ़ावा दें। साथ ही साथ देखिए, हर व्यक्ति अपने धर्म से जुड़ा हुआ है और मैं ये नहीं कहता हूँ, देखिए हमारे 86,000 वैक्सीनेटर सहायक साथियों में सभी जो है धर्म वर्ग जाति विशेष के लोग जुड़े हैं और सभी का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम सभी लोग मिलकर के पशुओं को वैक्सीनेट करेंगे। अगर वैक्सीनेट पशु वैक्सीनेट रहेगा तो उसको जो है खुरपका एवं मुंहपका जैसे रोग नहीं होंगे। और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वैक्सीनेटर सहायक साथियों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि एक बार पुनः जो है वैक्सीनेटर सहायक साथियों की तरफ जो है उनकी ध्यान आकर्षित करते हुए, वैक्सीनेटर का जीवन यापन करना बड़ा ही कठिन है, उनके सैलरी आदि पर भी चर्चा की जाए। माननीय पशुपालन विभाग मंत्री धर्मपाल सिंह बरेली वाले और माननीय मुख्यमंत्री जी यूपी से, और वैसे भी जो है ये राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम समस्त राज्यों में है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के 76 राज्य में